So, hello everyone, welcome to Shannon's class. So now, let's go to the second point and next point. हमने पहले पिछले उसमें पढ़ा था crop को prepare, soil को prepare भी कर लिया, उसके बाद showing भी कर ली, crops को लगा भी दिया और उसके बाद crops में fertilizer, manure सब कुछ डाल दिया. But जो सबसे important चीज है उसकी अब starting है, that is irrigation. प्लांट्स को भी हम इंसानों की तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. प्लांट्स को नियरली 90% ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये क्यों होती है? क्योंकि प्लांट्स भी बाहर उग रहे हैं, उन्हें अगर समर का सीज़न है थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होगा उनके रूट्स को, उनके स्टेम को मजबूत होने के लिए. ये सारी चीज़ें उनके जो न्यूट्रिएंट्स हमने डाल रखे हैं उसमें, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सब चीज़ें उनके हर पार्ट तक पहुँचे, इसके लिए भी प्लांट में, सॉइल में वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो इरीगेशन क्या होता है? लेट्स कम टू द पॉइंट. इरीगेशन द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप विद इन वराइज अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. अब इरीगेशन जो है वो वराइज करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. इसका मतलब क्या है कि हर क्रॉप के लिए अलग अलग टाइम में, अलग अलग वे में पानी की ज़रूरत होती है, अलग अलग अमाउंट में, क्रॉप्स में भी, सॉइल में भी और सीजन में भी. मान लीजिए अब समर का सीज़न है तो जैसे हमें पानी की ज़्यादा प्यास लगती है वैसे ही क्रॉप्स को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे ही विंटर के सीज़न में थोड़ी सी कम ज़रूरत होती है. अब इनके सोर्सेस क्या है, मतलब किस तरीके से वाटर को क्रॉप्स तक पहुँचा सकते हैं. सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, लेक, वाटरफॉल्स एट्सेट्रा. अब इनको भी दो मेथड से, जैसे पुरानी चीज़ों को हमने दो मेथड से यूज़ किया, वैसे अभी भी फार्मर्स में ट्रेडिशनल मेथड भी इरिगेशन में यूज़ होता था और मॉडर्न मेथड्स भी. सो नाउ लेट्स कम टू द ट्रेडिशनल मेथड. एज वी ऑल नो दैट वाटर कम्स फ्रॉम लेक्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, बट इट इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ दीज, दिस वाटर इज लिफ्टेड विद द हेल्प ऑफ कैटर्स एंड ह्यूमन लेबर्स. और इसके कुछ मेथड्स भी होते थे, कुछ वेज भी होते थे जिन्हें कहते हैं पुले सिस्टम, राहत, धकेली एंड चेन पंप सिस्टम. ओके, तो ये पंप सिस्टम में क्या होता था कि जो वाटर को हम सप्लाई, यहाँ पर वाटर ट्यूबवेल्स वगैरह में जो वाटर है तो पंप सिस्टम से अगर हम उसे खींचते थे तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस एंड एट्सेट्रा. ओके, नाउ लेट्स कम टू द मॉडर्न मेथड. सो मॉडर्न मेथड में मॉडर्नली आजकल यूज़ किया जाता है टू मेथड्स, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप सिस्टम मेथड. सो फर्स्ट स्प्रिंकलर मेथड. स्प्रिंकलर नाम से ही समझ में आ रहा है, स्प्रिंकलर मेथड जो है वो उन एरियाज में यूज़ किया जाता है जहाँ पर वाटर की बहुत कमी होती है, मतलब एक सफिशियंट, एक जितना कम से कम भी पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर भी क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो ये मोस्ट कॉमनली होता है सैंडी सॉइल एरियाज में यूज़ होता है, जहाँ पर सैंडी सॉइल पाई जाती है. इनमें अब इस मेथड में होता क्या है, जहाँ पर क्रॉप उगाई है वहाँ पर बहुत सारी पाइप लाइन्स जो हैं वो बिछा दी जाती हैं. ठीक है, उनके जो शेप आगे से जो होता है उन्हें परपेंडिकुलरली शेप में बिछाया जाता है और उसे मेन पाइप से अटैच किया जाता है. जब मेन पंप में हम प्रेशर डालते हैं, वाटर जो है वो आता है बाहर, तो वो क्रॉप्स में जो परपेंडिकुलर शेप है वो ऊपर को रोटेट होना स्टार्ट करता है और उसके नोजल्स जो है उसमें से वाटर स्प्रिंकल के रूप में बाहर आता है, स्प्रिंकल के वे में, और वो सारी क्रॉप्स में गिरता है. और वो कैसे गिरता है, जैसे कि रेन, जो बारिश की बूंदे होती है वो क्रॉप्स में गिरती है, वो उस तरीके से गिरता है. तो ये है आपका स्प्रिंकल मेथड. आफ्टर दैट ड्रिप सिस्टम मेथड. सो ड्रिप सिस्टम मेथड में क्या होता है कि जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है क्रॉप्स की रूट्स में. अब इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड उन जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत पुअर होती है, मतलब पानी बहुत ना के बराबर होता है. अब इस एरिया में क्या होता है कि जो वाटर है उसे एज अ ड्रिप सिस्टम, जो वाटर का सप्लाई है वो ड्रिप सिस्टम यूज़ किया जाता है, जिससे कि वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके उनके रूट्स में जाता है और वाटर जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाता है. ओके, ये यूज़ किया जाता है, इट इज़ वेरी गुड टू यूज़ इन द गार्डन्स प्लांट एंड ऑल्सो टू वेयर द फ्रूट प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो.
ओके सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट प्रोटेक्टिंग अवर क्रॉप फ्रॉम वेट्स. अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा एज यू ऑल सी सम अनडिजायरेबल प्लांट्स आर ग्रोइंग द फील्ड. मतलब क्रॉप्स के अलावा भी बाकी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं वो फील्ड में उग जाते हैं. तो उन्हीं वेस्ट को द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर ग्रो इन द फील्ड आर कॉल्ड वेट्स. ठीक है और इनका रिमूवल, अब ये अनडिजायरेबल प्लांट है तो इनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है. तो रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेडिंग. ठीक है इसी को वेडिंग कहते हैं. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव किया जाता है फील्ड से आर कॉल्ड वेडिंग. अब वेडिंग को क्यों मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो कर रही है तो ये क्रॉप्स के बीच में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करती है. तो ये सारे क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट जो भी मिल रहे हैं उनको वाटर जो भी उन्हें फर्टिलाइजर मैन्योर मिल रही है उसको भी आपस में शेयर. आप एक में पड़ रहा है तो वो दूसरे में भी जाएगा. तो ये अपने साथ साथ क्रॉप्स के साथ साथ उन्हें भी मिलता है जिससे कि ये क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है. सो फार्मर्स जो है वो इसे निकालने के लिए वेडिंग करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे हैंड से भी. मॉडर्न मेथड में तो हैंड से ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है बट जो पहले का टाइम था यानी कि एंशियंट मेथड ट्रेडिशनल वे में हैंड्स का यूज़ किया जाता था. इसे बाहर निकाला जाता वेडिंग की जाती थी विद द हेल्प ऑफ खुरपी. एंड अभी मॉडर्न मेथड में बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज़ होता है जिसे कि कहते हैं वेडिसाइड्स. ओके इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं. अब कैसे वेडिसाइड्स होता है? इसे वाटर में मिला के डायल्यूटेड विद द वाटर वाटर में मिक्स करके फार्मर्स जो हैं अपने अपने फील्ड्स में इन्हें स्प्रिंकल करते हैं. बट इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज होने से बचाते हैं और लेकिन फार्मर्स को इससे थोड़ा सा हार्मफुल हो फार्मर्स के लिए ये वेडिसाइड्स जो है हार्मफुल हो सकते हैं. तो फार्मर से इन्हें यूज़ करने के लिए थोड़े से प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं. अपने माउथ को कवर करते हैं अपने नोज़ को अपने हैंड्स को कवर करके वेडिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ओके सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. आप लोगों ने सॉइल प्रिपेयर कर ली शोविंग कर ली उसके बाद उनमें फर्टिलाइजर मैन्योर डाल दिया आफ्टर दैट उसमें इरिगेशन भी हो गया और उसके बाद उनके वेडिसाइड्स से वेड्स को रिमूव भी कर दिया. बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपकी क्रॉप अब मैच्योर हो गई है तो इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ओके अब हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? अगर हम हैंड्स हमारे फार्मर्स अगर हैंड से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो वो करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिकल. ठीक है आफ्टर दैट अगर फील्ड्स बड़े हैं और मॉडर्न वे में तो उसे यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ हार्वेस्टर. अब इसमें हमारी जो क्रॉप को मैच्योर होने में लगते हैं 3 से 4 मंथ. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हार्वेस्टिंग के अंदर. दैट इज फर्स्ट इज थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग क्या होती है? क्रॉप्स को कट करने के बाद उनके जो ग्रेन्स हैं सीड्स ग्रेन्स और सीड्स जो है उन्हें सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ शेफ और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मेथड भी होता है. थ्रेशिंग किससे की जाती है? थ्रेशिंग मॉडर्न वे में की जाती है बाय द हेल्प ऑफ कंबाइन. ओके एज यू सी इन द डायग्राम कंबाइन. अब कंबाइन इसे कंबाइन कहा गया है तो इसमें क्या होता है? एक इसमें दोनों चीज साथ में होती है हार्वेस्टर और थ्रेशर. ओके बट जिनके फील्ड्स बहुत स्मॉल होते हैं तो वो यूज करते हैं एक मेथड दैट इज कॉल्ड विनोविंग. ओके सो ये आपकी पूरी प्रोसेस है हार्वेस्टिंग की. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर लास्ट टॉपिक. सो आप लोगों ने सब कुछ कर लिया क्रॉप कट हो चुकी है तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आता है एंड दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. ठीक है तो स्टोरेज में क्या होता है? आपके क्रॉप्स को आपको अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखना है तो उसके लिए क्रॉप्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री ऑफ मॉइस्चराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है और कुछ पेस्ट से भी हमें इन्हें बचाना होता है एंड दैट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रैट्स वगैरह एज यू ऑल नो वेरी वेल. ठीक है तो इन्हें बचाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले फार्मर्स कुछ एंशियंट वे में ट्रेडिशनल वे में फार्मर्स यूज़ करते थे जूट बैग्स का और मेटेलिक टिन्स का. इनमें क्या करते थे
कि वो इसमें अपने उसको क्रॉप्स जो भी है उन्हें स्टोर करके रख लेते थे थोड़ा सा फ्यूचर टाइम तक, ठीक है। और उसके बाद इन्हें अगर मॉडर्न वे ट्रेडिशनल वे के मेथड को देखा जाए तो इनमें कुछ नीम्स के लीव डालते थे जिससे कि ये अपने पेस्ट से उन्हें बचा सके। और मॉडर्न वे में यूज़ किया जाता है बड़े बड़े गोडाउंस में, दैट इज कॉल्ड सिलर्स एंड कुछ ग्रैनरीज। इनमें क्या होता था कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप है, जिनके एरिया थोड़े बड़े हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप है, तो ये गोडाउंस वगैरह में उन्हें अच्छे से कवर अप करके रख लेते थे। तो ये मेथड है हमारे स्टोरेज के। ये जो सिलर्स वगैरह ग्रेनरीज इन्हें यूज़ किया गया है गोडाउंस वगैरह में, तो इन्हें सेव करने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ होता था। मतलब कुछ ऐसे केमिकल वेज स्टार्ट किए जाते थे, अपनाए जाते थे, जिससे कि हम पेस्ट से इनको दूर रख सकें। ओके, सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। सो क्लास रिवाइज दिस at your home place, and if you like this video then please like this and share and also subscribe to our channel and be with Sara's classes.